ये मिलावटों का दौर है साहब, यहाँ इल्जाम भी लगाए जाते हैं तो लिबास बदल कर। नमस्कार, मैं अमर शर्मा और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट। ये मिलावटों का दौर और लिबास का संबंध हमारी इस खबर से क्यों है, आइए बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के वो समस्त दिग्गज नेता जो यूपीए की सरकार के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर सरकार को घेरा करते थे, आज वो अपनी सरकार के रहते हुए पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि अब लिबास बदल चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के बारे में। आपको याद होगा वो दौर था 2010 से 2014 के बीच का, जब बीजेपी के पास यूपीए सरकार को कोसने के लिए मात्र दो विकल्प होते थे, एक महंगाई, दूसरा पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें। आपको बता दें, साल 2014 के पहले जब बीजेपी की सरकार सत्ता पे नहीं थी, तब कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजलों पे लेने वाले टैक्स को 18% तक मैक्सिमम रखा था, और अब जब सरकार बदल चुकी है, दलीलें बदल चुकी हैं, तो वो सरकार जो कल तक सड़कों पर और पशुओं पर चढ़ के हाय हाय के नारे लगाती थी, उन्होंने इस टैक्स को बढ़ा करके लगभग 66% कर दिया। जी हाँ, बात चौंकाने वाली जरूर है, मगर आम आदमी यानी सीधा साधा भोला आदमी आज भी इसी सोच पे डूबा होता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कभी तो जमीनी स्तर पर आएंगी और कभी कभी उसे भी सस्ते रेट पर पेट्रोल डीजल लेने का सपना पूरा हो पाएगा। मगर आपको बता दें, ये सपना पूरा हो पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सरकार के हाथ में होता है टैक्स, जो कि अब 18 से बढ़कर 66% हो चुका है। आपको बता दें, आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, आम आदमी की जेबें तो कट रही हैं, साथ ही साथ छोटे बड़े ट्रांसपोर्टरों की कमर भी टूटती नजर आ रही है। इस मामले में केंद्र सरकार ने लगातार चुप्पी साधे हुई है, और आपको अब बताते हैं कि 2014 के पहले जो सरकार पूरी जोर शोर से केंद्र को घेरती थी इन मामले में, आज के डेट में वो चुप क्यों है, आइए आज हम आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाते हैं। ये वीडियो क्लिप इस बात का बयां करती है कि किस प्रकार से बीजेपी सरकार ने यूपीए की सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला था। मोर्चा था पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। इस मोर्चे में छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी से लेकर के आज सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कमान संभाले हुए थे। अब ये दूसरी क्लिप है 16 मई 2010 की, जिसमें वर्तमान के सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने केंद्र को जमकर कोसा था। आज हमारे देश में 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम 20 रुपये प्रतिदिन से कम है। ऐसे स्थिति में नवी बार फिर से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। सरकार का जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो उतना टैक्स भी बढ़ता है, और टैक्स में राहत देकर गरीबों को राहत दी जा सकती थी, पर सरकार का ये निर्णय जो है ये गरीबों के ऊपर एक प्रकार से अन्याय करने वाला है। और मैं ये मानता हूँ कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन, ये आज इस कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की देन है। कारवां यही खत्म नहीं होता। हेमा मालिनी से लेकर स्मृति ईरानी तक बीजेपी के तमाम वो बड़े चेहरे जो आज बीजेपी की बागडोर संभाले हुए हैं, इन सभी ने इस मुद्दे को लेकर खूब जमकर अपनी राजनीतिक रोटी से की। हम में से कई लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि केंद्र सरकार ने 16 मार्च से 5 मई के बीच डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के रूप में 13 रुपये से 16 रुपये का इजाफा किया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर फिलहाल राहत देने के मूड में केंद्र सरकार बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें,
कि पक्ष और विपक्ष लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां इस गलियारे से सेकती रही हैं, मगर एक आम आदमी आज और कल हमेशा इसी तरह इस गलियारे के अंधेरे में कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए, रोचक खबरों के लिए जुड़े रहें हमसे, देखते रहें द भारत पोस्ट।